हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत बेबी फ्रॉक की। स्टाइलिश लुक की ये फ्रॉक है, बहुत सिंपल और इजी मेथड है इसको स्टिच और कट करने का। इसके अलावा समर के लिए ये काफ़ी बेस्ट जो है वो ड्रेस है। सबसे पहले हमने फैब्रिक लिया, फैब्रिक हमने ये डबल करके रख लिया है यहाँ पे। इसकी लेंथ हमारे पास है 19 इंच और विड्थ हमारे पास है 27 इंच। शोल्डर हम रखेंगे 2.5 इंच का। शोल्डर की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 5 इंच। इन निशान जो हमने लगाए हैं इनको हम मिला देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा गोल निशान लगाएंगे ताकि शोल्डर की कटिंग हो सके। यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास तीरा है और यहाँ पे हमने स्ट्रिप लगानी है। शोल्डर की जहाँ से कटिंग की थी वहाँ हमने ये वाला फैब्रिक लगा देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड है इसको लगाने का। ऐसे हमने यहाँ से पहले सबसे कट कर लेना है। छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जो जब फोल्ड करें तो ये कपड़ा इकट्ठा ना हो। यहाँ पे हम फोल्ड करके ऐसे बिल्कुल नीट सी सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमने ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल शोल्डर की शेप की ही यहाँ पे सिलाई होनी चाहिए। ये एक सिलाई हमने लगाई है, बाकी 3 साइड्स जो शोल्डर्स की हैं उनको भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। ये हमारे पास तैयार हो गया एक शोल्डर, बाकी भी 3 जो है हम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच का फैब्रिक जो है उसको फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम जो सिलाई लगाएंगे हमने ध्यान रखा है कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई हो। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगी, सीधी बिल्कुल नहीं होगी तो यहाँ पे इनमें बल आ जाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल सीधा रखना है। जैसे हमने ये फ्रंट साइड की सिलाई लगाई है बिल्कुल ऐसे ही बैक साइड की लगा लेनी है। अब ये हमारे पास तैयार हो गई है शर्ट। ये हमारे पास जो फैब्रिक है ये 1.5 इंच का है, इसको हम फोल्ड करके एक स्ट्रिप बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रिप बनाएंगे 1.5 इंच के फैब्रिक की। लेंथ हम 32 इंच रखेंगे। इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको हम बारीक सी स्ट्रिप बनाने के लिए यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। स्ट्रिप हमारे पास अब तैयार हो चुकी है, बाकी भी दूसरी भी हमने ऐसे ही कर लेनी है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको जो है वो जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था उसके अंदर हम डाल देंगे। ऐसे हम इसको डाल देंगे और दूसरी साइड से आप देखें यहाँ से अब इसको निकाल लिया है। अब ये जो स्ट्रिप हमने यहाँ पे इसमें डाली है इसकी मदद से आप चुनट डालेंगे। ये स्ट्रिप जो है आप इससे लेंथी भी रख सकते हैं, अगर आप छोटी रखना चाहें तो आप छोटी भी रख सकते हैं।
ऐसे हमने ये चुनट डाल दिए हैं। दूसरे वाला भी हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो लास्ट पे हमारे पास दामन है, यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इसको भी फोल्ड करके नीट सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की सिलाई लगाई है, बिल्कुल ऐसे ही बैक साइड की सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट और बैक साइड दोनों हमारे पास अब ये तैयार हो चुके हैं। इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये हमने चुनट वाली बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाई है, इसलिए ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही फिटिंग की कटिंग है कोई इसकी, बिल्कुल सिंपल सी इसकी कटिंग थी। तो यहाँ से अब हम स्टिच कर देंगे इसको। बिल्कुल सीधी यहाँ से सिलाई आएगी, कोई भी इसमें फिटिंग वगैरह की जो सिलाई लगती है बिल्कुल भी वैसी नहीं आएगी, स्ट्रेट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब ये फ्रॉक हमारे पास बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड था ये, आप इसको आसानी से स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती फिर भी आप इस वीडियो को फॉलो करके खुद से स्टिच कर सकते हैं। समर के लिए बहुत ही खूबसूरत ये छोटी बच्चियों के लिए ड्रेस है, सिंपल और इजी मेथड है। उम्मीद है आपको मेथड भी समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।